एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सदर अजीत सिंह रंधावा पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदारनी मनजिंदर कौर, इंजीनियर सरदार अमरीक सिंह, सुखविंदर कौर, सरदार गुरजिंदर सिंह, नरिंदर सिंह, सरदारनी गुरजीत कौर, हरिंदर कौर, मनिंदर सिंह, कुलविंदर कौर, अवनीत सिंह रंधावा, रवनीत कौर अते उना दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब मजीठा रोड फतेहगढ़ चूड़ियां विखे करवाया गया, जिस विच राग सिंह वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार अजीत सिंह रंधावा जी दा जन्म पिता सरदार प्रताप सिंह रंधावा जी दे घर माता सरदारनी दलीप कौर हुणां दी कुखों सन 1935 विच पिंड वीला जिला लायलपुर पाकिस्तान विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते हुनहार प्रतिभा दे मालक सन। अपनी पढ़ाई पूरी करन उपरंत आप जी ने अपने पिता पुरखी किते खेतीबाड़ी नू अपनाया। इस दे नाल नाल सरदार अजीत सिंह रंधावा हुणां दी राजनीति विच गहरी दिलचस्पी सी अते आप जी ने लगभग 55 साल श्रोमणी अकाली दल बादल दी सेवा कीती। इस दौरान आप जी वख वख अहुदियां ते रहे। दो बार आप जी ने फतेहगढ़ चूड़ियां दे एमसी वजो सेवावां निभाईयां। इस तों इलावा 1998 तो आप जी श्रोमणी अकाली दल बादल दे शहरी प्रधान रहे। इस तों बाद आप जी नूं श्रोमणी अकाली दल फतेहगढ़ चूड़ियां दा सरप्रस्त डिक्लेयर कर दिता गया। सरदार अजीत सिंह रंधावा जी दा व्याह सन 1962 विच सरदारनी कश्मीर कौर हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी मनजिंदर कौर, सुखविंदर कौर, हरिंदर कौर अते कुलविंदर कौर अते बेटे नरिंदर सिंह ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के इस देश दी धरती दे नाल नाल विदेशां दी धरती ते वी नामना खट रहे हन। सरदार अजीत सिंह रंधावा परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। सरदार अजीत सिंह जी दी फुलवाड़ी इस समय अवनीत सिंह रंधावा अते रवनीत कौर नाल महक रही है। Yes.
सूरत माहे दो नीर
Yeah.
सरवर जब उछल तब तन दुहिला पतली सह के रे बोलाओ दुदा खनी ना आवई फिर होए ना मिला कह फरीद सहेलियो सौ अलाए से हंस चल सी जागले हो आगे को किश कुल्हा बांधो जागले हो री मना जागले हो कहां गाफल सोया जो तनी उपजिया संगी सोफी संग ना होया मात पिता सुत बंद जन हित जा सोकिना मात पिता मात पिता सुत बंद जन हित जा सोकिना जियो छूटे ओ जब देहते डार अगन में जीना सुख में आन बहुत मिल बैठ आगे को किश कुल्हा बांधो सुख में आन सुख में आन बहुत मिल बैठ रहत चाहूं जिस घेरे विपत परी सब ही संग छाड़त को ना यावत नीरे आगे को किश तुल्हा बांधो क्या परवासा तन का क्या परवासा तन का गुबारा हर का नाम संग उदियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तहनाल पशानू जय महापयान तप बहु काम तय हर की नाम की परेशान जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख आगे को किश कुल्हा बांधो क्या परवासा तन तन का विश्वास किस भांडे का विश्वास किस भांडे का कितना गुलाब मन का कितना गुलाब मन का कौन सहाई मन का कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत
बनता। बहु प्रपंच कर परतन लिया सुतदारा पहयान लुटावे मन मेरे भूले कपना की जय अंत नबेरा तेरे जी पहली जय छिन छिन तन छीज जरा जनाव तब तेरी ओक कोई पानी ना पा कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपे सो मेरा कोई नहीं तेरा फरीदा किथे टेंडे मापिया जिनी तू जने होए तैं पासों लद के तू अजे ना पतीने मात पिता पाई सुत बनता हितला को सब बनता हितला इस पांडे का कहां विश्वासा इस पांडे का कितना खुला गए तन का इतना खुला गए तन का इस उपरंत आनंद साहब जी दियां छे पौड़ियां दा जाप करदे हुए समुची संगत वल्लों परमात्मा जी दे चरणां विच अरदास बेनती कीती गई अते पवित्र दरगाही बाणी तों हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। रिद सिद्ध सब मोह है नाम नाम से मन आई गुर सेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन कार प्रगट होवा नानक सहज समाए महला तीजा शब्द साधना आयो नाम न लगो प्यार रसना भिक्का बोलना नित नित हुए खुआर ना
किरत पय कमावणा कोई ना मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिले हम कौ शांत आई तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई धन धन हर भगत सतगुरु हमारा जिसकी सेवा ते हम हर नाम लिव लाई धन धन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम कौ सब सम दृष्ट दिखाई धन धन सतगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई धन धन सतगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई वाहिगुरु जी का खालसा एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी जो बाप जाता है तो संगत वालों प्रमुख बंदियां वालों जथेबंदी वालों जिन्हां विच लगातार रहे उन्हां वालों दस्तार भेट की जाती है जो मापे जाते हैं ना तो अजीब किस्म का एक खिला पैदा होता है जो मिनटा भी महसूस कर रहा है बेटियां भी महसूस कर रही हैं। रंधावा साहब के जीवन ते दो शब्द ते बड़े संकोच भी संकेतक शब्दों च कहांगा जे उन्हां दे जीवन ते गल करनी होवे तां असी ये कहांगे बीज जिन्हां ने विकसना हुंदा है वह पत्थरों की हिक पाड़ के भी उग पैंदे आ चिराग जिन्हां ने रोशनी वंडनी हुंदी है वह तूफानां विच भी जग पैंदे आ जे असी सरदार जीत सिंह रंधावा जी की जीवनी ते गल करिए तो सचमुच उन्होंने जीवन कुछ इस तरह का सीगा पाकिस्तान चो आए साडा पिछला पिंड भी भीड़ा सी अही सारे बख्शीश सिंह और सारे भीड़े बैठे आ सधारण परिवार की तरह इतने आए सधारण परिवार की तरह ही एक म्यूनसिपल कमेटी में सधारण जी नौकरी शुरू की ते विकसे इतों तक भी उस म्यूनसिपल कमेटी में सरवा सरवा हो गए किंग मेकर हो गए हर एक प्रधान बनाने योग हो गए हर एक मैंबर बनाने योग बहुत वड्डी गल जे उन्हां दी धार्मिक गल शुरू करिए ते बड़ा लम्मा समा असी उन्हां नाल गुजारिया है भावें वह गुरद्वारा टाली साहिब है ते भावें गुरद्वारा लोहारां वाला वा सारे गुरद्वारे जड़े आ इन्नी श्रद्धा नाल इन्ने समर्पण नाल वह विचरते रहे धार्मिक समागमों में भई अपनी मिसाल आप सीगे मैं बहुत घट शब्द कहने क्योंकि दिन बड़े छोटे आ ते वो मीरी बच्चे ते पीरी बच्चे जिहड़ा सिख सिधांत है ना साडा दोवें विच पूरे सीगे ते असी इत्थे नुमाइंदगी भी इसे ढंग नाल देनी आ भी पहला असी पीरी की गल करनी आ साडे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अमरीक सिंह जी विशोवा जी ने मैं पहला उन्होंने बेनती करांगा भी वह हाजरी लाउण श्रद्धा के फुल भेट कर अमरीक सिंह जी विशोवा जी सर अजीत सिंह जी की अंतम अरदास विच उन्हां नूं श्रद्धा के फुल भेट करन वास्ते असी आए हाँ क्योंकि उन्हां दे जीवन बारे जिवें
सरदार सुचा सिंह स्टेट सकत्तर जिहड़े बने ने सेवा की है, उन्होंने जीवन बारे बड़े संखेप शब्दों में दसिया, उन्होंने धार्मिक जीवन, उन्होंने सियासी जीवन। मैं समझदा भी मनुख जिहड़ा वा उहदी जिहड़ी जिंदगी आ वो एक एम लस्या, कोई निशाना नहीं हुंदा भी कित्थे पहुँच के उन्हें करना भी हुण मैं लीक मारती आ, मैं कोई दुनियावी काम नहीं करने, कोई सियासी काम नहीं करने, क्योंकि लंबे समय तक वो जदोजहद करता रहिंदा। पर उहदा जिहड़ा फल आ वो असीं कित्थों पर वेखदे आ भी उहने की जिंदगी विच प्राप्त की कीता। आ जिहड़ा इकट्ठ अज दा इह उहनां दी कमाई आ। मैं समझदा भी जिन्हें उन्होंने मेहनत समाज में राजनीतिक दायरे में की है, किसी ही महापुरख के हिस्से में गल आती है कि वह अजक वेख लीए कि उन्होंने सारे जीवन जोड़ा श्रोमणी अकाली दल के नाल मोढ़े न मोढ़ा जोड़ के उन्होंने अपना जीवन बिताया। अज सियासी जीवन आम लोगों का जीवन इस तरह बनया जिमें तोता एक वक्रे वक्रे फलों का स्वाद वेखता, आप ही वक्री वक्रिया पार्टियां का स्वाद वेखते हैं। पर एक अजिहे मनुख सन जे एक चट्टान वांगू, भावें अकाली दल जिहड़ा सी उहदी सरकार बनी चाहे नहीं बनी, पर सदा ही वह अकाली दल दे नाल चट्टान वांगू खड़े रहे ने। इहो जिहे वर्कर, इहो जिहे इंसान बहुत घट मिलते हैं। मैं समझदा कि उन्होंने सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन्होंने जिहड़े कर्मकार ने उन्होंने वास्ते असी उस तरह ही पहरा देईए। परिवार ने जिवें उन्होंने अपने परिवार को सेध दी आ, मैं समझदा कि निरेंद्र सिंह इन्हें बड़ा अपने परिवार का नाम उच्चा किया, सोच सारी उन्हां दी सी, देन उन्हां दी सी, ते अमल इन्होंने किया उहदे ते। इहदे विच इन्होंने अपने जिथे पिता दा सपुत्र की गल करिए सपुत्र का काम किया आ, क्योंकि कुछ सपुत्र होंदे ने, कुछ पुत्र होंदे ने, ते कुछ कपुत्र होंदे आ। जिहड़ा मनुख अपने प्यो की जायदाद नूं लै के तुरदा जां उहदा जिहड़ा विरसा है उहनूं लै के तुरदा, उह समझदे आ वी उह तुरदा जिहड़ा सपुत्र आ, जिहड़ा ज्यूंदी त्यों रखदा उह पुत्र आ, ते जिहड़ा हजार दिंदा सारा कोई बनाया बनाया उहदा मेला वो कपुत्र आ। सो सपुत्र का काम किया निरेंद्र सिंह ने। मैं शाबाशी देना, अरदास करता परमात्मा वास्ते, परमात्मा लई कि परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला च रखे, परिवार को ये जिहड़ा भाणा वरत्या, क्योंकि हर मनुख ने जाना आ, क्योंकि मरण आए मंडल में आए, मरण लिखा के असीं आउने आ, क्योंकि जो कोई भी मनुख पैदा हुंदा उहदी जिथे जन्म की तरीक लिखते हैं उत्थे मरण की तरीक परमात्मा वालों लिखी हुंदी है। जो सवाल पूरे करता वह परमात्मा उन्होंने बुला लेंदा। सो उन्होंने अपने जीवन का सफर जिहड़ा कीता बड़ा वधिया कीता। मैं यही अरदास करता कि परमात्मा परिवार को चढ़ती कला च रखे, भाणा मनन का बल बख्शे, क्योंकि समय जिवें सकत्तर साहब ने दसिया कि आप मुख रखदे हो, यही अखीरी श्रद्धांजलि भेट करते हैं। परमात्मा चढ़ती कला परिवार को रखे, भाणा मनन का बल बख्शे। आई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सरदार जीत सिंह जी लम्मा समा 22 साल छोटे नहीं होंदे, श्रोमणी अकाली दल फतेहगढ़ चूड़ियां दे प्रधान रहे आ, ते अज सवेरे गुरबचन सिंह जी बब्बेहाली जिहड़े साडे जिले दे प्रधान अकाली दल सीगे, उह सवेरे हो के हाजरी लवा के इत्थों गए आ। हरमन प्यारता की गल ये भी आ भई डेरा बाबा नानक तो आप वालों जिन्होंने इलैक्शन लड़ी हलका इंचार्ज गुरदीप सिंह रंधावा जी, वह भी सवेरे इत्थे हाजरी लवा के गए आ। जिहड़े शब्दा दे फुल भेंट करन आउंदे आ उहनां दे इत्थे स्टेज ते भी हाजरी लवाउणी बणदी आ। हुण मैं क्योंकि बुलारे दो ही बुलाने होर, मैं सरदार लखबीर सिंह जी लोधी नंगल जिन्हां ने इत्थों सौ इलैक्शन लड़ी आ, बटाले तो MLA रहे ने, बड़े साढ़े बचपन के साथी ने, ते इन्हां नाल अपने सरदार जीत सिंह होरां नाल भी बड़ा प्रेम, इस परिवार नाल बड़ा प्रेम आ। उन्हां नूं मैं बेनती करांगा भी आ के अपनी हाजरी लाउण, सरदार लखबीर सिंह जी लोधी नंगल। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद में बैठी गुरु रूप साध संगत, गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे अपने रंगले साथी श्रोमणी अकाली दल के मजबूत थम
जो इस दुनिया के सच्चे पातशाह वालों बख्शे सुवासा की पूंजी जो मिली सी उसनों खर्च के चले गए ने उन्हां दी याद में बैठे हैं। मेरे वीर सुच्चा सिंह रंधावा ने उन्हां बारे चंद शब्द बोले ने क्योंकि थोड़े शब्दों के उन्हां दे जीवन बारे कुछ दस्या नहीं जा सकता। साढ़े सत्कारयोग चेयरमैन सरदार बख्शीश सिंह रंधावा जी बैठे ने, प्रधान जी बैठे ने, बिजलीवाल जी बैठे ने, बहुत सारे साथी बड़ा अचेचा टाइम कढ़ के इत्थे इस समय उन्हां दी याद विच अपनी हाजरी लवाउण लई आए ने। आदमी सारिआं ने चले जाणा, रहना किसे ने नहीं, क्योंकि मरना सच आ, जीणा झूठ आ। पर कुछ एक मरना ऐसा हुंदा जिहड़ा मरन तों बाद भी आदमी जिउंदा रहिंदा। वो इस करके जिउंदा रहिंदा कि उहदे कम नेकी भरे, समाज विच चंगी सेवा, अपने दोस्तां मित्रां दे विच चंगी इमानदारी, नेक नीति, सिंसैरिटी दे नाल विचरना, वो गल्लां नूं लम्मा समा समाज विच आदमी नूं जिउंदा रखदियां। सरदार जीत सिंह मैं छोटिआं हुंदिआं तों उहनां नूं जाणदा, 40 साल तों वध समा हो गया, असीं छोटे छोटे सां जदों बापू प्रताप सिंह होणा नूं, भाजी गुरदीप होणी, दूजे भाजी होणी, सारा ही परिवार, सर सुच्चा सिंह दे फादर सूबेदार साहब होनी, मास्टर बख्शीश होनी, ये सारी शहर की वड्डी क्रीम सी, लखविंदर सी, कन्हैया साहब, और असी छोटे इन्हां तो कई गलां दी सेध लिया करदे सां। बहुत सारे व्यक्ति ने जिन्हां दे बारे मैं लंबी डिटेल च नहीं जाना चाहुंदा, पर सरदार जीत सिंह रंधावा इन्हां दा परिवार जिन्हां ने बड़ा एक थां खलो के पार्टी का साथ दिता, स्वर्गवासी सरदार निर्मल सिंह कालों के नाल बहुत पूरा जिंदगी का समा इन्हां लगाया, और मैं समझना कि उन्होंने तरक्की भी बहुत की। उदों सिर्फ खेतीबाड़ी की गल हुंदी सी, जदों इत्थों अड्डे दे उत्ते अजे कोई रौनक नहीं सी, खाली सी। आ सारी गुरु की कृपा बख्शिशा जिन्हां नेक नीति नाल जिंदगी विच मेहनत कीती होवे, सच्चे पातशाह हर हीला वसीला उस आदमी की पिठ ते रखदा। लम्मा समा म्युनिसिपैलिटी के प्रधान भी रहे, वाइस प्रधान रहे, प्रधान बनाउंदे रहे, और मैं समझना कि जिन्नी उन्हां नूं हुण इस वेले मानसिक तसली सी, जदों इलैक्शन सी मैं आया घर, चेयरमैन साहब होनी ते असीं सारे मिले, हौली हौली उठ के बाकर दे नाल आए, बट मनोबल बड़ा तगड़ा सी मैं वेख्या। सो मनोबल कदों तगड़ा हुंदा, जदों आदमी ने जिंदगी विच नेकी कीती होए, बुरा ना कीता होए, बंदे दा मनोबल लास्ट दम तक तगड़ा रहिंदा। बड़ा तगड़ा मनोबल सी, बड़ा माण प्यार दिता, और मैं कह सकदा परिवार दे जज्बे दे बारे के बेटे मिंटे होना जो साढ़े बच्चों वर्गे छोटे वीर ने, परिवार ने बहुत तह दिलों जिंदगी दे विच अपना फर्ज समझ के इस इलैक्शन दे विच लड़ाई लड़ी, और मैनू याद आ कहन विच कोई झिझक नहीं, 200-100 पर्चियां बुक जिहड़ी सी 100-100 दी उह मैनू दस्तखत करके दित्ती कि जिन्ना मर्जी लोधी नंगल साहब तेल पवालो, तुहानूं खुली छुट्टी आ। इह हौसले दी गल आ, ये बंदे दा मन जिहड़ा आ पार्टी लई, पार्टी दे कैंडीडेट लई किन्ना पक्का इरादा आ, किन्ना उहदे मन विच जज्बा आ, ये पिता पुरखी जज्बा सी जो सरदार अजीत सिंह ने अपने ख्यालों की विरासत दिती, बच्चे उहदे ते पूरा चल रहे ने। और मैं समझना जिहड़ा आदमी अपनी जिंदगी विच अपने अंतम समां विच अपने आप नूं संतुष्ट समझदा, भरपूर जिंदगी जी के जिहड़ा शांति नाल जिंदगी बतीत कर रहा हुंदा, उहनूं अगे भी शांति मिलदी है। ये नहीं कोई साडे चार बंदिआं दे जिन्हां दा अपना जीवन पता नहीं कितना दा होवे, साडे आख्यां कोई स्वर्गां दे दरवाजे खुलदे ने, गल बिल्कुल नहीं।
फरीदा अमल जो किते दुनिया में दरगे आए काम उन्हां दा मान प्यार सत्कार समाज में वरतों जिहड़ी आ उह ना भुलण योग आ ते बच्चे भी मैं समझना इन्ना माण प्यार और बड़े चंगे तरीके सलीके दे नाल हर गल नूं किवें लैणा आ लैण दी जाच उन्हां नूं अपने बाप कोलों अपने परिवार को मिली आ वाहिगुरू चढ़दी कला विच रखे हर मैदान इन्हां नूं फतेह बख्शे पार्टी ली चढ़दी कला ली इस तरह ही सेवा करते रहन और मैं समझना कि उन्हां दी आत्मा सरदारजीत सिंह दी अपने बच्चों के कारगुजारी वेख के ठंड महसूस करेगी क्योंकि वह महसूस करेगी आत्मा कि मेरे बच्चे भी मेरे खानदान का मेरे वांगू नाम रोशन करके खानदान अगे लैके जा रहे हैं। मैं अपने वालों अपने सारे परिवार वालों श्रोमणी अकाली दल वालों दिली तौर पर श्रद्धा के फुल भेंट करता सिद्ध कोखेमा का जाचका वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। बड़े भावपूर्त शब्दों में ढिल्लों साहब ने गल की है मिंटे की गल दरिंदर सिंह मिंटा साडा अपने लगता उहदी गल जे आपां करिए ते सरदार अमरीत सिंह होरां गल तोरी सी पुत पुत की गल ते किते सरदारजीत सिंह होरां आख्या सी वी पुत मैनू 6 किले जमीन आई सी ते मैं 12 किले बनाती आ ते मिंटा उदों तो चुप रहा ते फिर किसी वेले आख्या पिता जी पापा जी तुह 12 किले बनाई ही ते मैं 24 किले बनाती ये आ पुत सपुत की गल सानू माण है इस गल ते भी कहिंदे आ भी बोड़ थले बोड़ नहीं हुंदा नहीं विकसदा पर इत्थे गल बोड़ थले बोड़ विकस रहा तो विकसेगा तो मेरा ख्याल आ भी बड़ी ठंडी छां देगा बहुत वधिया ढंग नाल मिंटा अपना ठीक ढंग नाल विकस रहा वा ये जड़ा पौधा वा असीं चाहुंदे आ ये जड़ा ब्रिश आ बहुत लम्मी छाया दे। हुण मैं कहांगा सरदार रविकरण सिंह जी कहणों असीं दुबधा विच सां मैं ते मिंटा दोवें ही तो फिर मैं क्योंकि लम्मा समा सरदार नरबर सिंह जी कालों तो जीत सिंह कट्ठे रहे तो अही दोवां दी हाजरी लाउणी आ कालों साहब की निर्मल सिंह होरां दी भी इन्हां दे विचों दी ते रविकरण सिंह होरी कि हुण मुखातब कहन क्योंकि रविकरण सिंह जी कालों बहुत साडे हर दिल जी नेता जी बहुत आओ जी शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र गोद दे विच हाजर मेरे सत्कारयोग ताया जी की अंतम अरदास विच शामिल होने लिए आए सारे रिश्तेदार भैन भरा सज्जन स्नेही वख वख पार्टियां दे आगू साहिबान फतेह की सांझ पाईए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा चीरे लिखिया तिहा हुकम कमाए कले आए नानका सदे उठे जाए। जो जीव इस रंगली दुनिया ते आउंदा परमात्मा उसका अंतम स्थान घड़ी समा सारा नीयत करके फिर उसनू इस रंगली दुनिया ते विकसित होने का मौका दिता। मरन लिखाए मंडल में आए सरदार अजीत सिंह जी रंधावा वो इंसान वो शख्सियत वो बाबा बोड़ जिन्हें इस हलका फतेहगढ़ चूड़ियां दे शहर फतेहगढ़ दे विच श्रोमणी अकाली दल की नींह रखी। हलका फतेहगढ़ चूड़ियां डेरा बाबा नानक पहलों एक हुंदा सी ये एक तरह का कांग्रसी हलका सी बड़ा वड्डा संताप सी इत्थे परिवार में किसी का नाम नहीं लैना पर उहदा जिहड़ा जुल्म सी जबर सी बड़ा सिखरां ते सी। अकाली दल नूं कट्ठे करके तोरिया उन्हां ने अज सारी टीम बैठी है जिहड़ी उन्हां दी साथी है सारी टीम तुसीं बैठे जे कुछ साथी
गुरु महाराज के जिन्हें उन्होंने सुवास बख्शे से उन्होंने भोग के उन्होंने चरणों जा विराजे ने। मैं याद है कि मैं निक्का जिहा हुंदा सी बद्दोवाल वाले बापू जी सरदार निरंजन सिंह होनी सरदार बख्शीत सिंह होनी भीड़े वाले बसण सिंह होनी आपा कुलविंदर सिंह होनी बैठे ने और सारे मल्ली साहब सरदार जसवंत सिंह रंधावा साहब सारी टीम जिहड़ी सी सरदार सुच्चा सिंह होनी मैं किसी का नाम लैण तो विसर जावा मैनू उस गल की माफ़ी भी दिओ पर इन्हां ने तीला तीला इकट्ठा करके फतेहगढ़ चूड़िया के अकाली दल की होंद हस्ती पैदा की। सरदार अजीत सिंह जी रंधावा वो इंसान से जिन्होंने कभी अहुदे की लालसा नहीं सी रखी। कई बार मौके असी मैं वेखता हुंदा सी कि मैं बैठता सी विच इन्हां दे त्याग की भावना उन्होंने विच सी ते कई बार अपनी सीट भी कई बार छड्ड दिंदे हुंदे सी कि नहीं फलाने नूं एडजस्ट करन लई आपां फलाने बंदे नूं इत्थों ला दईए। अजकल दे समाने दे विच त्याग भावना बहुत घट है पर मैं ये माण महसूस करदा कि मैनूं उन्हां बजुर्गां दी शां मिली गुड़ती मिली उन्हां कोलों सिखण दा मौका मिलिया क्योंकि ये सारे साथी मेरे पिता जी सरदार निर्मल सिंह कालों के नाल मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के चलन वाले से। ठीक है समय ने बड़िया हालातों के तब्दीलियां लियांदियां पर अज ठीक है मैनू पार्टी ने मौका डेरा बाबा नानक तो दिता पर यह सारी टीम जिहड़ी सी इन्हां दियां अरदासां इन्हां दियां दुआवां मेरे नाल फतेहगढ़ चूड़ियां तो चल के डेरा बाबा नानक तक मेरे नाल जाके काम करदे रहे। मैं इन्हां दा देण नहीं दे सकता क्योंकि सारा मेरा परिवार आ क्योंकि मेरा बचपन मेरी हर चीज़ इन्हां दे विच गुजरी है तो मैं अपने आप नूं इन्ना वडभागा समझदा कि यह सारी टीम क्योंकि जो बंदा कितों चले जावे ना किसी पासे नूं तो मुड़ के मगर कोई बात पुछण नहीं आता पर अज भी मेरे नाल सारे मोढ़े ना मोढ़ा खुट के खलोंदे ने। मैं जदों सरदार अजीत सिंह होणा कोल आउणा उन्हां दी कहणी ओ पुत्रा लभदे हुंदे ओ पुत्रा उन्हां दे विच जिहड़ा जज्बा सी कितें डिगदे बंदे नूं वी ओह थापी दे के ते इन्ना हौसला भर दिंदे सी कि बंदा उठ के तुर पैंदा हुंदा सी। मैनूं अज माण आ अपने सारे परिवार ते मेरा वीर मिंटा बैठा अवनीत है मैं कितने कितने ना लवान साढ़े भाईए बैठे ने सारे ये सारे एक टीम की तरह से चलते एक परिवार आ सारा। मैं तो सारिया के नाल उस तरह ही अज भी खलोंगा जिस तरह मेरे पिता जी सरदार निर्मल सिंह कालों खिलाते पर मैं उस अकाल पुरख का शुकराना अदा करदा हे सच्चे पिता वाहिगुरू सरदार अजीत सिंह हुणां नूं तो जिनी आयु बख्शी सी तेरी मेहर सदका वधिया जिंदगी बतीत करके गए ने ते अपनी फुलवाड़ी जिहड़ी पिछे बहुत खूबसूरत फुलवाड़ी छड्ड के गए ने। आओ सारे अरदास करिए हे सच्चे पिता वाहिगुरू उस साडे बजुर्गों नूं अपने चरणों के निवास बख्शी तो सानू इन्ना क साडे ते मेहर भरे हथ रखी कि उन्होंने पाए हुए पूरने जिहड़े ने असीं उन्हां ते तुर सकीए तो उन्हां दे जिहड़े अधूरे कार्ज ने उन्हां नूं पूरे कर सकीए। आओ सारे एक बार फिर उस अकाल पुरख महाराज के चरणों च दास बेनती करिए हे सच्चे पिता वाहिगुरू उन्हां नूं अपने चरणों के निवास बख्शी। मैं परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा तहि दिलों धन्नवाद करदा तुसीं जिहड़े कदम जिहड़े चल के तुसीं आए जे सारिआं दे कदम सिर मत्थे परवान ते उन्हां दी याद दे विच असीं सारा लंगर पानी का भी प्रबंध किया वा तो मेरी बेनती है तुहानू सारिआं नूं कि लंगर छक के जायो। तुहाडा सारिआं दा एक बार फिर बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।